हाय गाइस, आज हम गणेशा जी की शिव जी के साथ पेंटिंग बनाएंगे। देखिए कैसे आ रहे हैं अपने पिताजी के साथ सब भक्तों का मंगल करने के लिए। पहले हम बैकग्राउंड बना रहे हैं, समुद्र तट बना रहे हैं। इतनी आसान पेंटिंग है कि बच्चा भी बना ले। ये समुद्र का किनारा है, लहरें आ रही हैं, अब ये शिव जी को बनाएंगे। जो आपको येलो कलर का दिख रहा है वो इनकी आभा है। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ इनकी आभा जरूर होती है। ये बहुत ही आसान तरीके से है। गणेशा जी अपने पिताजी के साथ उनका हाथ पकड़ के अपने भक्तों के घर आ रहे हैं। इनकी बहुत ही सुंदर कहानी है। पहले तो शिव जी ने गणेशा जी के साथ बहुत युद्ध किया था, जब उनको पता नहीं था कि वो उनके बेटे हैं। इनका जन्म पार्वती जी के द्वारा हुआ था। पार्वती जी ने इनको जो है बना के और अपनी शक्ति से इनके अंदर जीवन दान दिया था। शिव जी को मालूम नहीं था, तो पहले तो इनका जो है शिव जी के साथ भयंकर युद्ध हुआ था। उसके बाद ही इनके अंदर जो हाथी का मुंह आया है वो उसी की वजह से है। पहले जब पार्वती जी ने इनको बनाया था तो बहुत ही सुंदर मुंह था, लेकिन जब हाथी का मुंह आया तो और ज़्यादा सुंदर क्यूट लगने लगे और सबके विघ्नहर्ता बन गए। इनकी बहुत ही रोचक कथा है, पार्वती जी की और शंकर जी की। उस कथा का नाम है, उन्होंने नाम दिया था मन विनायक, मन से बनाया था इनको अपने उपटन के जो निकलता है उपटन से उससे। लेकिन बाद में जब शिव जी को पता चला था तो फिर इनकी गणेशा जी से दोस्ती हो गई और गणेशा जी जो है इनके साथ बहुत घुल मिल गए और जो है देखो भक्तों के साथ भक्तों के यहाँ आ रहे हैं, उनको दर्शन देने के लिए, उनका मंगल करने के लिए, उनका विघ्न हरने के लिए। बहुत ही आसान ड्राइंग है, ये बच्चा भी बना सकता है इसको, आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। ये देखो कितने क्यूट गणेशा जी लग रहे हैं, इनको आभूषण पहना रहे हैं सिल्वर कलर से, बाकी ब्लैक कलर दिया है। बहुत अच्छा लगता है इस पेंटिंग में। ये लहरें बना रहे हैं, ये आ रही हैं। ड्राइंग बन के कम्प्लीट हो गई है। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।